नमस्ते जी डॉक्टर साहब। बोलिए। अभी हमारे यहाँ पे आंवला बहुत चल रहा है, आप हमें बताइए कि कैसे यूज करना है, खाना कैसे है और क्या इफेक्ट है इसका। ठीक है, देखिए ये जो आंवला इंडियन गुजबेरी ये बहुत बड़ा गुण है। ये लोग क्या करते हैं, आंवला अच्छा बोल के दिन में 4-5 आंवला खाते हैं, लेकिन आंवला तो अच्छा है लेकिन ज़्यादा खाना इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एक आदमी को एक शरीर में एक दिन में 600-700 मिलीग्राम का जो विटामिन सी जो है एक आंवले में है, लेकिन मैक्सिमम बॉडी हमारा शरीर जो है 2000 मिलीग्राम विटामिन सी जो है वो सह सकता है, इससे ज़्यादा उसको ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादातर एक आदमी दिन में एक आंवला बहुत अच्छा है, या मैक्सिमम 3 आंवला तक एक खा सकता है। दूसरा आपने पूछा कि कैसे खा सकता है। आंवला जो है बहुत विविध रूप से खा सकते हैं, जैसे हम अचार बन के जो पिकल्स बोलते हैं पिकल्स करके खाते हैं, और डेली खाने में जो एक आंवले को थोड़ा नमक पर्टिकुलरली पिंक सॉल्ट और द रॉक सॉल्ट बोलते हैं और उसका सेंधा नमक बोलते हैं वो लगा के खाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दांत को बहुत थोड़ा ये सेंसेशन ये हो सकता है क्योंकि ये बहुत खट्टा है। तीसरा है वो चूर्ण के रूप में आंवला चूर्ण आयुर्वेद वैद्य देते हैं, नहीं तो ऐसे ही चूर्ण बना के खा सकते हैं, सूखा आंवला या वेट आंवला खा सकते हैं, और आंवले का मुरब्बा करके खाते हैं। और आंवला जो है दूसरा मेडिसिन में जैसे कि त्रिफला चूर्ण बोल के आता है, त्रिफला चूर्ण जैसे जिसमें आंवला बहेड़ा और हरड़े ये तीनों का सम प्रमाण का जो ड्राई पाउडर मिक्स करके त्रिफला चूर्ण बनते हैं वो बहुत अच्छा बेहतरीन आयुर्वेदिक दवा है, वो इस रूप से भी ले सकते हैं। जी, अभी आंवला मुरब्बा है, उसको यूज कैसे करना है और क्या इफेक्ट है उसका बालों के लिए, हेयर के लिए। यस, आंवले का मुरब्बा जो उत्तर भारत में बहुत अच्छा तरफ से बनाते हैं और खाते हैं भी, और दक्षिण में भी कम नहीं है, लेकिन आंवले का मुरब्बा मतलब जो आंवला मिलता है वो आंवले को पहले अच्छा तरफ से धोना चाहिए, जैसे कि 1 kg आंवला को 1 liter पानी में ऐसे धोने के बाद ये जो चाकू है वो अंदर तक उसको पियर्स करना है, क्योंकि जो पानी गर्म करते वक्त उसका अंदर पूरा पानी होना चाहिए, तो इसलिए ऐसा करके 1 liter पानी में एक या थोड़ा ज़्यादा पानी भी उसमें 1 kg आंवला डाल के अच्छा तक स्टीम लाना, उसको उबालना चाहिए। उबालते वक्त क्या होता है बहुत सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि अंदर तक उसका जो भी हमारे चाकू ने अगर ऐसे किया तो अंदर तक इजी रूप से जाना चाहिए, वो बहुत अच्छा तरह से पका हुआ होता है। उसको क्या करना चाहिए, 1 kg शक्कर को 1 kg पानी में मतलब 1 liter पानी में डाल के गर्म करना चाहिए, गर्म करते करते उसमें एक तार जैसा वेरी स्ट्रॉन्ग ये बनता है पाक बन जाता है, उसमें ये जो बॉइल्ड जो आंवला है उसमें डालना चाहिए, उसमें डालने के बाद फिर थोड़ा केसर डाल के और फिर थोड़ा बॉइल करना चाहिए, बॉइल करते करते बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन बन जाता है, वो है आंवला मुरब्बा। उसको ठंडा करने के बाद इसमें बोतल में या किसी में लॉन्ग टाइम रख सकते हैं, ये बहुत बेहतरीन हो सकता है। जैसे आपने अभी पूछा ये बाल के लिए अच्छा है और आंखों के लिए अच्छा है, यस ये आंवला इज वेरी गुड फॉर द हेयर एंड फॉर द स्किन एंड फॉर द आईज आल्सो, जिसको दृष्टि का समस्या है उसको आंवला बहुत अच्छा है, उसको बोलते हैं वयस्थापक बोलते हैं, मतलब जिस एज में अगर कोई आंवला और त्रिफला चूर्ण खाने को शुरू किया उसका वयस्थापन हो जाता है, मतलब वो ऑलवेज यंग दिखता है, इसलिए आंवला बहुत अच्छा है, इट इज एन एंटी ऑक्सीडेंट आल्सो। और ये आंवले का मुरब्बा जो है उसका जो रस जो है वो रोटी या चपाती को डाल के थोड़ा बच्चों को दिया तो उनको इम्यूनिटी भी बढ़ता है, बहुत टेस्टी रहता है, और ऐसे मुरब्बा बना के रखा तो बहुत समय तक उसको रख सकते हैं। जी, अभी हमें बताइए कि आंवला का जूस कैसे पीना है, कितना पीना है। आंवले का जूस ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब एक आदमी को 1 या 2 आंवला सुबह उठते ही खाली पेट में जैसे दांत घसने से पहले या इसके बाद भी पी सकते हैं, क्योंकि 1 या 2 ग्लास पानी में 1 या 2 आंवला
डाल के मिक्सी में डायरेक्ट बॉइल कर मिक्स करके उसका जूस बना के उसका फाइबर सहित पी सकते हैं। नहीं तो जिनको ठंडी का ज़्यादा ये शिकायत रहता है, जैसे कोल्ड आस्मा देता है, ऐसा लोगों को आंवले का जो जूस है बॉइल करके जो आंवला उससे जूस बना के पी सकते हैं। वो खाली पेट में जो पीता है उसको बहुत अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहता है, विटामिन सी का कमजोरी नहीं रहता है और बाल भी अच्छा रहता है और इम्यूनिटी बढ़ता है। और आंवले से बहुत एक्सप्लेन नहीं कर सकते इतना रिजल्ट उसमें मिलता है, पर्टिकुलरली फॉर द ओबेसिटी। और लेकिन एक ध्यान रखना, जिनको डायबिटीज है और मधुमेह है उसको अगर आंवला खाना है तो मेरे ध्यान से खाना चाहिए, क्योंकि आंवला का जो काम है शुगर तो कम करता है। वो ऑलरेडी अगर उनको शुगर कम है, इसके बाद भी अगर ये 3-4 खाया तो शुगर डाउन होने का चांसेस भी रहता है। इसीलिए डायबिटीज वालों को बहुत ध्यान से ये खाना चाहिए। सो डायबिटिक शुड टेक केयर वाइल टेकिंग दिस इंडियन गूसबेरी और आंवला, बिकॉज इट हैज़ गॉट द प्रॉपर्टी टू रिड्यूस द शुगर लेवल आल्सो। इसलिए वो सब ध्यान करके देख लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि आंवले के कौन सा मेडिसिन मिलता है, दवाई कौन सा है? यस, आंवले का दवाई बोलने से आंवले से आहार भी बोल सकते हैं, क्योंकि आंवले से तैयार किया हुआ जो भी प्रोडक्ट हो वो फूड जैसा ही है। जैसे कि आंवले का चूर्ण हो और त्रिफला चूर्ण हो और नहीं तो आंवला जूस हो, नहीं तो च्यवनप्राश। सबको मालूम है च्यवनप्राश इज मेड आउट ऑफ दिस आंवला ओनली। आंवला इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट इन च्यवनप्राश, जो हमारा लंग्स के लिए बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए और यूथफुल के लिए और जो शरीर का जो स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए, जिनको नींद नहीं है उसका अच्छा नींद देने के लिए ये जो आंवला है बहुत अच्छा तरह से फॉर्मुलेट करके लेहा बनाते हैं, उसको बोलते हैं च्यवनप्राश लेहा। वो बहुत अच्छा तरह से एंटीऑक्सीडेंट और आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा अस्त्र है। इसीलिए ऐसे सारे बहुत तरह का आंवला रसायन, आंवले की रसायन बोल के मिलता है, वो जो आंवले का जो पाउडर है आंखों के लिए बहुत, जैसे ग्लोकोमा हो और आंख में जो दृष्टि का दोष हो, जिनका स्टार्टिंग स्टेज का जो कैटरेक्ट हो, इसके लिए बहुत अच्छा तरह का ये काम होता है। ऐसे सारे बहुत दवाई, सब दवाई में आंवला का एक पोर्शन रहता ही है। ऐसे बहुत सारे जानकारी के साथ हम आगे फिर आएंगे। नमस्ते।